खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत ने कहा, प्रदेश में रिपीट होगी कांग्रेस सरकार। काठुवास में कैबिनेट मंत्री जूली के माता पिता की प्रतिमाओं का किया अनावरण। पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदा बेन पहुंची अलवर, धार्मिक स्थलों पर दर्शन के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में हुई शरीक। पुलिस की मारपीट के शिकार वकील को अस्पताल के कैदी वार्ड में करवाया भर्ती। मिलने पहुंचे शहर विधायक संजय शर्मा, वहीं पुलिस के खिलाफ तिजारा में जारी है आंदोलन। और भूमि विवाद में बाइक सवार पर चढ़ाया ट्रैक्टर, नौगावा क्षेत्र में ग्रामीण को गंभीर रूप से किया घायल। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास जताया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर सत्ता में आएगी। गहलोत गुरुवार को हेलीकॉप्टर से बहरोड के ग्राम काठुवास पहुंचे। उन्होंने यहां कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के माता पिता की प्रतिमा का अनावरण किया। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के ग्राम काठुवास में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के स्वर्गीय पिता ठेकेदार लेखराम सहित माता की प्रतिमा का गुरुवार को अनावरण हुआ। इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। वे कई अन्य मुद्दों पर भी बोले। उधर सीएम गहलोत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, ऐसा वह नहीं उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी कह रहे हैं। 25 लाख रुपए का बीमा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, राशन किट वितरण और फ्री मोबाइल योजना जैसी अनेक योजनाओं का आम जन को लाभ मिल रहा है। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस 50 जिलों में यात्रा करेगी। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बार बार राजस्थान दौरे पर सवाल उठाते हुए इसके पीछे राजनीतिक मंशा की तरफ इशारा किया। छात्रों में, युवाओं में, किसानों में अलग बजट पेश किया। गुड गवर्नेंस जो कहते हैं वो एक बार इस रूप में सामने आई है कि कानून पार कर दिए जो कंट्री में कहीं नहीं। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं। आज ये घर में बीमार जाती हुई जानता है कि क्या लाभ मिलता है। एक्ट बना दिए स्वास्थ्य का, तो इतने तो कानून पास किए हम लोगों ने, शहरों में रोजगार खोल दिए, तो इतने के हम लोग भी याद नहीं रख पाते। ये माहौल तो पहली बार हर गांव में मिलेगा। लोकल प्रॉब्लम आती है वो हमेशा आती है, क्योंकि काम फिर MLA पड़ता है, MPC पड़ता है, उससे शिकायत लाजमी है। फिर हमारे जो विपक्ष के लोग हैं वो बड़ा हटा के बात भी करते हैं, ये भी होता राजनीति के अंदर। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि राजस्थान में शानदार काम हुआ है, उसके परिणाम भी हम कहते हैं सरकार इस बार आ सकती है। जवाब में तो आ सकती नहीं, आ रही है। इतना लोगों में कमेंट आ रहे हैं, माई बाप तो देखो जनता ही होती है। प्रयास करेंगे कि अधिकारी जगह पर जाएँ, या तो एक मैप बनाया गया है कि जाके इंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि तो कभी भी लग सकती है आचार संहिता। उसके बाद में जो प्रोग्राम जो 2030 का दिया गया है, ये सरकार ने दिया है प्रोग्राम, ये कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, सरकार ने दिया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार है, इसलिए कांग्रेस को गर्व है कि हमारी सरकार ने मिशन 2030 बनाया है, जो कि आने वाली पीढ़ियों के काम भी आएगा। तमाम प्रदेश के जितने भी लोग हैं सुझाव दे सकते, सुझाव दें। 2.5 करोड़ से अधिक सुझाव आ चुके हैं। अब सुझाव में कोई शिकायतें भी होगी, कोई अपनी पीड़ा बता रहा होगा, सब बातें हैं, वो भी फीडबैक हमारे लिए हैं। अगर कोई पीड़ा ही बता रहा अपनी, मान लो शिकायत भी कर रहा है सरकार से, वो फिर भी काम आएगा दुरुस्त करने के अंदर, तो नुकसान तो ही नहीं। और जो सुझाव भी आएंगे उनको हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, डॉक्यूमेंट लॉन्च होगा आने वाले समय के अंदर। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि राजस्थान के फ्यूचर क्या हो, 2030 तक हम कहाँ पहुँचें पैरामीटर में, वित्तीय प्रबंधन कहाँ तक हो, सब स्कीमें, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और हम कहाँ जंप करें,
ये हमारी सोच है। देश के उत्तर भारत में जी आर्थिक विकास दर में नंबर वन आ गया है, बहुत बड़ी बात है। आर्थिक विकास दर में नंबर वन हम लोग हैं, बड़े राज्यों में नंबर दो पर हैं आंध्र प्रदेश और दूसरे राजस्थान। ये अपने आप में उपलब्धि है। और जो कानून हमने पास किए हैं, पहली बार राजस्थान पूरे देश में चर्चा कर रहे हैं, क्यों नहीं पच्चीस लाख बीमा क्यों नहीं। हर राज्य सरकारें हमारी स्कीमों को लेकर के वो खुद भी अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है, गारंटी दे रही सरकार पब्लिक को। ये राजस्थान की पहल है। और तो सरकार केंद्र सरकार दबाव में आ गई, 500 में सरेंडर किया मैंने, अलवर में ही घोषणा करी थी मैं, राहुल गांधी जी आए तब। आज केंद्र सरकार को मजबूर होकर 200 रुपये कम करना पड़ा। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से 200 रुपये कम क्यों किए। आप रास्ता की तरह उज्ज्वला योजना के तमाम लाभार्थियों को 500 रुपये में सिलेंडर दें। आप 5 लाख का बीमा क्यों दे रहे हो, और वो भी दे रहे हैं सीमित लोगों को। आम जनता की बातों को मालूम नहीं रहता है, 25% जनता कवर नहीं होती है राज्य में। हम दे रहे हैं 100% लोगों को, वो दे रहे 25 लाख का। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं आगे आ रही है पूरे देशवासियों को बीमा देने के लिए 25 लाख का। सोशल सिक्योरिटी हम दे रहे हैं 1 करोड़ लोगों को, 1000 रुपये मिनिमम पेंशन दे रहे हैं बुजुर्गों को, निःस्वजनों को, विधवाओं को। केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है, 200 रुपये दे रही है वो। तो इतना बड़ा फर्क है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं के जो लोग हैं, अभी राष्ट्रपति का आना बाकी है जी, राष्ट्रपति का आना बाकी है। बहुत ही महान हमारी राष्ट्रपति है, बहुत समझदार हैं और गरीबों के लिए समर्पित है। आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, देश के लोग हों, उनके लिए मैंने देखा नज़दीक से उनको बहुत समर्पित है। पर मैं कहना चाहूँगा बाकी संस्थाएँ जो है उनको भारत सरकार को चाहिए दबाव नहीं बनाए जाने पर, ऐसी स्थिति पैदा नहीं करे कि मैं कैंपेन लगे। बिकॉज उपराष्ट्रपति जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत मेरे बहुत ही संबंध है उनके साथ में 50 साल से। कल 5 जिलों में गए, वो 5 जिलों में पूरे राजस्थान छान मारा एक ही दिन के अंदर। एक ऐसा कभी होता है क्या, आप जब जा रहे हो मिल रहे हो, मिलने को ना आपसे तमाम जो बीजेपी नेता लोकल है वो मिलने जा रहे हैं आपका, बातचीत होती, गपशप होती है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज वो अगर मान लीजिए कल राष्ट्रपति बनते हैं वो, हमें खुशी होगी। सम्मान हम करते हैं, कल भी करेंगे। अगर राष्ट्रपति बन जाए धनगर साहब, हमारे लिए घर की बात होती है कि राजस्थान के राष्ट्रपति बन गए। पर कैंपेन करने आप निकलोगे तो हम कहेंगे कृपा करके बख्शो हमें, आप निष्पक्ष जनता को फैसला करने दो। जनता का मैंने कहा माई बाप वही होती है, उनकी जो अंतरात्मा कहेगी हमने कुछ काम किए हैं तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमने काम नहीं किए हैं तो नहीं मिलेगा। उधर जनसभा में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि माता पिता के आशीर्वाद से वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उनके पिता ने पूरी ईमानदारी से काम किया और उन्हें उसका परिणाम मिला है। मुख्यमंत्री गहलोत के समक्ष कैबिनेट मंत्री जूली ने उनके गांव में औद्योगिक कार्ड बनवाने एवं अलवर जिले को संभाग बनाने की पुरजोर मांग भी रखी। इस मिट्टी पर चलना सिखाया आपने ही, उन्हीं पकड़कर इस मिट्टी पर चलना सिखाया आपने ही, तो मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। ये बात मैं अपने माता पिता को समर्पित करना चाहूंगा। संपन्न हुआ है मुख्यमंत्री जी, पूरे इलाके की जनता आपको धन्यवाद देती है और मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक ऐसे व्यक्ति का मूर्ति का अनावरण किया है जिसके जाने के बाद में काठवासी नहीं आसपास के 100 गांव के अंदर लोगों को उनकी अच्छाइयां याद। मैं अपना फक्र मानता हूँ उस चीज। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत और मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान सहित अन्य जन प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का विशाल माला से स्वागत किया। और वहीं
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की काठुवास में आयोजित जनसभा में शामिल होने के लिए गुरुवार सुबह अलवर शहर से महिलाएं नाचते गाते हुए रवाना हुई। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के मोती डूंगरी स्थित कार्यालय में महिला कार्यकर्ता एकत्रित हुई। यहां महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में गीत गाए गए। इसके बाद वे नाचते गाते हुए काठुवास के लिए रवाना हुई, जहां कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के माता पिता की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैरोड है जो टीकाराम जूली जी के निवास स्थान है, बैरोड में काठू वास, तो उनके माता पिता की मूर्ति का अनावरण है और वहाँ पर आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी की जनसभा है। तो उसी के लिए आज सभी खुशी के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का उत्साहवर्धन के लिए और खुशी के लिए आज काठुवास जारी है और उनकी जो टीकाराम जूली जी के माता पिता की जो वो है मूर्ति का अनावरण है, तो उनकी मूर्ति का अनावरण के लिए सत उनको नमन। साथ ही आज सभी महिलाओं की ओर से सभी महिला पुरुष वहां पर उपस्थित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदा बेन गुरुवार सुबह ट्रेन से अलवर पहुंची। यहां अपना घर शालीमार में नानक राठौड़ के घर पहुंचने के बाद उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ किया। जशोदा बेन धार्मिक यात्रा पर अलवर आई हैं। इससे पहले भी वे 2-3 बार अलवर आ चुके हैं। उधर भारतीय तोलिक साहू राठौड़ महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानक राठौड़ ने बताया कि जशोदा बेन सुबह आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन से अलवर पहुंची। शालीमार स्थित उनके आवास पर कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ किया। उन्होंने बताया कि जशोदा बेन पांडुपोल एवं भर्तृधाम के बाद लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र स्थित धौला देवी मंदिर में दर्शन करने जाएंगी। गौरतलब है कि जशोदा बेन मीडिया से दूर रहती हैं और राजनीति के विषय पर कुछ बोलना पसंद नहीं करती। इससे पहले जयकृष्ण क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में भी जशोदा बेन शामिल हुई, यहाँ उनका अभिनंदन किया गया। तिजारा के वकील पुरुषोत्तम सैनी से जुड़ा मामला गर्मा गया है। अधिवक्ता स्थानीय पुलिस पर उन्हें बेरहमी से पीटने का आरोप लगा रहे हैं। उधर अलवर अस्पताल में बुधवार रात करीब 11 बजे अधिवक्ता का मेडिकल करवाया गया। वहीं मेडिकल कराने आए एसएचओ ने बताया कि न्यायाधीश के आदेश से मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया जा रहा है। इसके लिए अधिवक्ता को दौसा जेल से लाया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि सुरक्षा कारणों से इस अधिवक्ता को किशनगढ़वास जेल के बजाय दौसा जेल में शिफ्ट किया गया था। फिलहाल अधिवक्ता का सामान्य चिकित्सालय के कैदी वार्ड में इलाज जारी है। माननीय न्यायाधीश के आदेश से उन्होंने आदेश फरमाया कि इसका आज ही मेडिकल करना नित्यांत आवश्यक है। उनके आदेश की पालना में दौसा जेल से अभी लेकर आया, उनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा गठित करके और मेडिकल किया जा रहा है न्यायाधीश के आदेश। अधिवक्ता पुरुषोत्तम सैनी किस तरह के अपराध में संलिप्तता पाई गई कि उनको तिजारा किशनगढ़ अलवर जेल से छोड़कर जो सेंट्रल जेल है दौसा जेल तक शिफ्ट करना पड़ा, क्या मामला? माननीय न्यायाधीश किशनगढ़वास जेल के आदेश किए थे, लेकिन चूंकि वो जेल का मैटर है, जेल के उन्होंने आपस में बात करी डीआईजी ने कि भाई यहाँ पे मेयर समाज के लोग ज्यादा हैं कैदी, तो इसको अलवर में भी ज्यादा है, तो इसको दौसा में शिफ्ट कर दिया। उन्हीं की अंडरटेकिंग आपस में जेल विभाग की, उन्होंने हमने वहाँ के आदेश दिए उनको, उन्होंने वापस अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनके डीआईजी साहब ने जो आदेश फरमाया इसको जो दौसा में शिफ्ट कर दिया है दौसा में शिफ्ट। अभी कैदी वार्ड में आपने इनको ले गए, कितना जाप्ता लगाया गया इनकी सुरक्षा को लेकर? कि जाप्ता अभी हमारे पास पर्याप्त है, मैंने एसएचओ से भी बात करी, जाप्ता आ रहा है और जाप्ता पर्याप्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उधर यहां पहुंचे शहर विधायक संजय शर्मा का कहना है कि कुछ दिन पहले 2 समुदायों में झगड़ा हुआ था। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृतकों के परिजनों द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में अधिवक्ता पुरुषोत्तम सैनी का कहीं नाम नहीं था, लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने अधिवक्ता के प्रति दुर्भाव के चलते उन्हें फंसा दिया। पुरुषोत्तम सैनी द्वारा गद्दिन और रिश्वत के मामले को उजागर करने के कारण ऐसा किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें बर्बरता पूर्वक पीटा गया। विधायक संजय शर्मा ने डीएसपी मुनेश मीणा को तुरंत बर्खास्त करने और मामले की निष्पक्ष जांच करवाने पर जोर दिया। देखिए तिजारा में पुरुषोत्तम सैनी जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और लगभग 10-12 दिन पुरानी घटना है। वहाँ 2 समुदायों में झगड़ा हुआ था और वो झगड़े का परिणति ये हुई कि एक व्यक्ति की वहाँ मृत्यु हो जाती है और जो FIR दर्ज हुई मृतकों के परिवारजन द्वारा उसमें पुरुषोत्तम सैनी जी का कहीं भी नाम नहीं है,
लेकिन वहाँ एक डिप्टी एसपी लगे हुए हैं श्री मुनेश मीणा, उन्होंने अभी एक बहुत अखबार में बड़ी खबर भी छपी थी, कोई 5 लाख रुपए रिश्वत का कोई मामला था जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम सैनी जी ने उसको उजागर भी किया और इस्तगासा के माध्यम से कोर्ट में न्यायालय में इस्तगासा पेश करके और एक केस भी दर्ज कराया और जो व्यक्ति था उसका आलू भिवाड़ी एसपी के सामने उसकी गवाही भी कराई, उससे चिढ़ करके डीएसपी मुनेश मीणा ने जबरन उनको उसका फंसाने के लिए 302-120B का मुलजिम मानते हुए उनको परसों यानी कल शाम को दिन में सोना के आसपास से पुलिस जो बता रही है कि वहाँ उनको पकड़ा और इतनी बबरतापूर्ण तरीके से पुलिस ने उनके साथ मारपीट करी है कि मैं पुरुषोत्तम सैनी जी से अभी जब पुलिस उनका मेडिकल कराने के लिए अस्पताल में आई मैंने जिस हालत में उनको देखा है इतनी अमानवीय तरीके की हरकत तो पुलिस संभवतः हार्ड कोर अपराधियों से भी नहीं करती क्योंकि जितने अमानवीय तरीके से पुलिस ने उनके साथ मारपीट करी है। और जो मुझे मेरे साथी अधिवक्ता पुरुषोत्तम सैनी जी ने बताया कि उनके मुंह पर पुलिस के अधिकारी द्वारा पेशाब किया गया, उनको डंडों से पीटा गया, उनको बंदूक की बट से पीटा गया और इतना अमानवीय कृत पुलिस ने किया है निश्चित रूप से एक निंदनीय घटना है। और मैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं जो एक तरफ देश में राज्य में कानून व्यवस्था बनाने की बात करते हैं उनसे मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट डीएसपी मुनेश मीणा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। राजस्थान के डीजीपी महोदय से मैं मांग करता हूं कि निर्दोष वकील पुरुषोत्तम सैनी को इस मुकदमे से निकाला जाए, निष्पक्ष जाँच हो, राजस्थान स्तर पर एक विशेष कमेटी बना करके इस मामले की जाँच की जाए और जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई पुलिस ने एक अधिवक्ता के साथ की है पुरुषोत्तम सैनी के साथ की है उसके खिलाफ उस अधिकारी के खिलाफ उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा स्वयं ज्ञान लेते हुए डीजी से आप खुद दर्ज कराएं। पुलिस जो होती है लॉ ऑर्डर का पालन करने के लिए होती है और कहीं भी न्याय नहीं मिलती है तो न्यायालय के पास जाना पड़ता है और न्यायालय ने जो ऑर्डर किया था उस समय ऐसी नाजुक स्थिति आज 48 घंटे के पश्चात उनको यहाँ लाया जा रहा है जब माननीय डॉक्टर के द्वारा ये किया जा रहा है कि इनको प्राथमिक उपचार की अति आवश्यक है और अति आवश्यकता होने के कारण उनको एडमिट किया गया है लेकिन पुलिस ने गत गए दिन को भी उनको एडमिट नहीं करवाया और उनको उपचार के लिए और मेडिकल के लिए कोर्ट का अवहेलना करी और कोर्ट के पालना नहीं करते हुए एडमिट की पालना नहीं करते हुए उनका मेडिकल नहीं करवाया और 200 जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया। फिर हमें न्यायालय के दरवाजे को खटखटाना पड़ा और माननीय न्यायालय ने एक टीम गठित करी सामान्य चिकित्सालय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय डॉक्टरों की टीम मेडिकल बैठना चाहिए मेडिकल बोर्ड के नेतृत्व में 4 डॉक्टरों की टीम गठित करके और 6 बजे इसका मेडिकल होना चाहिए। 6 बजे भी नहीं लेकर आए, रात्रि 10 से 11 बजे लेकर आए और उस समय डॉक्टरों ने ड्यूटी डॉक्टरों ने यह पाया गया कि प्रारंभिक उपचार इसको अति आवश्यकता है क्योंकि उनके शरीर पर इतनी चोटें हैं जो देख नहीं सकता, उनकी पत्नी उनके बच्चे भी नहीं पहचान सकते कि ये पुरुषोत्तम सैनी है क्योंकि पुलिस ने इतनी मार दी है कि लॉ एंड ऑर्डर को भी अपने हाथों में लिया है किसी बात और उनका स्वास्थ्य आज ऐसा नाजुक है क्योंकि वो खड़ा होकर खुद चलने में भी सक्षम नहीं है, वो किसी को पहचान भी नहीं सकते, वो बिल्कुल ही बेचैन स्थिति में, उसको मानसिक टॉर्चर भी किया है, फिजिकल टॉर्चर भी किया है और हर तरीके से हर एंगल से उनको टॉर्चर किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है। आज उनका उपचार सामान्य चिकित्सालय के अंदर एडमिट किया गया है और उनका उपचार अब चल रहा है। उधर पुरुषोत्तम सैनी प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने सहित पुलिस के रवैये के विरोध में तिजारा तहसील के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, साथ ही दूसरे दिन भी बाजार बंद रहे। गत 8 सितंबर को मेहराना गांव में मारपीट के दौरान एक युवक की मौत के मामले में वकील को गिरफ्तार किया गया है। उधर व्यापार मंडल ने बैठक कर आंदोलन कर रहे सर्व समाज का सहयोग करने का निर्णय लिया है। कस्बे के लोगों ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव के कारण एडवोकेट पुरुषोत्तम को फंसाया गया है। इस दौरान सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी सहित संदीप दायवा, सतपाल प्रजापत, गुलशन गुप्ता, बाबूलाल जैन और अरुण सोनी आदि की मौजूदगी रही। फोटो देखा है, मैंने भी फोटो देखा है, ये तो एक तानाशाही, निर्दयता, गुंडागर्दी कहूंगा मैं तो इसको। अब इसको क्या करें, अपन मौन होके स्वीकार कर ले क्या? आप बताइए, मौन होके स्वीकार कर ले क्या? तो उसके लिए अपन को तैयार होना पड़ेगा। और मेरी अभी मीटिंग थी हमारे वस्तु व्यापार कमेटी की, महासंघ की, मैंने कहा अनिश्चितकालीन तक अगर बंद रहता है अनिश्चितकालीन तक बाजार बंद। पूरे साल कमाई करते हैं, अगर 2-4-10 दिन नहीं करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
अलवर जिले के नौगावा थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने बाइक सवार के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। एक बार नहीं बल्कि दो बार आरोपी उसके पैरों पर से ट्रैक्टर निकाल कर ले गए। स्थानीय ग्रामीणों ने पीड़ित राकेश गुजर को बचाया, उसे गंभीर अवस्था में अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार नौगावा थाना क्षेत्र के चिरौंदा नंगला गांव निवासी राकेश गुजर का परिवार के ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। बुधवार शाम इन्होंने राकेश के पैर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। नाम आपका? राकेश। क्या बात हुई? कुछ ना, कोई छोटा मोटा विवाद था जमीन का। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में पंच फैसला होगा, माफी होगी। फिर उसके बाद मैं दुकान के पास में खड़ा था जब बाइक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया था प्लानिंग बना के। कितनी बार ट्रैक्टर चढ़ाया? दो बार चढ़ाया था, तीसरी बार गांव वाले ने भेड़ों के नीचे निकाला था, खींचा था। पूरे पैर पे चढ़ाया था? इधर के दोनों पैरों पर चढ़ाया। एक तो हुकम था, एक बनवारी, एक जगत, एक फूल सिंह फूलचंद। गुजर है सारे? गुजर है। गांव के? परिवार के? परिवार के ही। परिवार में चाचा तो में? हाँ। लेखा मर ने बचाया था, उनके पास में दुकान है, पड़ोसियों ने। हाँ। दशहरे पर रावण दहन की परंपरा पुरानी है। इस पर्व के लिए जेल सर्किल के पास रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ मौजूद ज्योति और अन्य कारीगरों ने बताया कि वे कई सालों से अलवर में रावण के पुतले बना रहे हैं। वहीं दशहरे के आसपास पुतलों की खासी बिक्री होती है। अखबार, रंगीन पेपर्स एवं पटाखों के साथ इन्हें तैयार किया जाता है। 70 फुट तक ऊंचे लंबे रावण के पुतले बनाए जाते हैं। कब से रावण का काम कर रहे हैं आप? और कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल से? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रेवाड़ी के हैं। रेवाड़ी। तो किस किस तरह के रावण बना रहे हैं? कितने बड़े बड़े बना रहे हैं? ये छोटे से लेके बड़े तक बन रहे हैं। कितने लगभग? कम से कम 70 फुट का रावण तक बन सकता है। 70 फुट का? 3 फुट का लेके 70 फुट का रावण बन जाए। तो यहाँ पे कितने दिन से लग कर रहे हो आप? यहाँ पे करीब हो गए 2-3 साल हो गए बनाते हैं, और रह रहे हैं हम 6-7 साल से। 6-7 साल से? किस किस चीज़ से बनाते हो? हम तार बनते हैं, तार से, बांस से बनाते हैं हम, और अखबार होते हैं उसमें गले पर लाते डिजाइन बनाते हैं, उनकी सजावट करते हैं। ये तो अभी सब ढांचे बना रहे हैं हम, आगे हमें ढांचे और सजावट भी करेंगे। कितने दिन में एक रावण को तैयार कर देते हैं? एक दिन में कम से कम दो तीन दिन लग जाते हैं एक रावण पूरा कम्प्लीट करने। कितने फुट का? करीब 10 फीट का रावण कम से 3 दिन लगते हैं बनाते। कितने लोग लगे हुए इसमें? हमारी पूरी फैमिली लगती है यहाँ पे। कितने फैमिली? कितने लोग लगे? मैक्सिमम लगते हैं 15-20 लोग लगते हैं। हम बाहर से ही बुलाते हैं कभी, और कभी हम अपने पूरी फैमिली छोटे से लेके सब बच्चे बनाते हैं। ठीक ठाक बिक्री हो जाती है रावण? अभी तो कुछ भी नहीं है बिक्री, अभी कुछ नहीं है। दशहरे के आसपास? हाँ, दशहरे के आसपास तो हो जाती है। अभी सिर्फ हम खुद से पैसे के लगा के खुद से मेहनत कर रहे हैं अभी। कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? रेवाड़ी से आए हैं। रेवाड़ी से? तो यहाँ कब से रह रहे हैं अलवर के? वही यहाँ पे 6-8 साल हो। 8-7 साल। तो ये रावण जो अगले महीने रावण का पर्व आ रहा है, तो उसके लिए रावण तैयार कर रहे हैं हम लोग। रावण को तैयार कर रहे हैं जो? हाँ, रावण को तैयार कर रहे हैं, मोहल्ला बस्ती में ले जाते हैं दशहरे के लिए। दशहरे के लिए ले जाते हैं, बच्चे भी ले जाते हैं। कितने लोग तैयार कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं 10-12 ने। पूरी फैमिली आपकी? हाँ, पूरी फैमिली कर रही है हमारी। पालन पोषण हो जाता है क्या इससे? पालन पोषण हो जाता है आपका? ये तो साल में एक बार आता है अपना, इसमें जो है कि अपना पैसा लगाते हैं और इसमें अपना कुछ कमा लेते हैं, तो अपना कर्जा भी निकल जाता है, अपना खेती जोहारा खर्चा पानी हो जाता है। तो पहले पैसे लगा करके तैयार करते हैं। इसके अलावा क्या काम करते हो आप? इसके बाद फिर अपना चटाई का काम करते हैं। चटाई का काम? राजगढ़ में मूक बधिर बालिका से दुष्कर्म मामले में गुरुवार को ग्रामीणों ने मिनी सचिवालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि पीड़िता को सरकारी नौकरी और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक ना तो किसी जन प्रतिनिधि और ना ही प्रशासनिक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर सहायता दी है। गौरतलब है कि 20 सितंबर को मूक बधिर बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। ये 20 सितंबर की है और दिन के सुबह 10 बजे की घटना है। करीब ये गांव पलवा है, डिगावड़ा से 3-4 किलोमीटर एंटीरियर में पलवा गांव है, वहां की बच्ची है। पुलिस द्वारा कार्रवाई तो की गई, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी कोई सहायता वहायता बच्ची को कुछ नहीं मिला उपलब्ध हुई। अपना परिवार बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और उसमें क्या नाम सदमे में, बहुत ज़्यादा सदमे में है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि परिवार की सुरक्षा हो
क्योंकि वो लोग इनको धमकियां दे रहे हैं। मतलब दूसरा ये कि पर बच्ची की जिंदगी खराब हो गई है, मतलब पूरे परिवार बहुत बेइज्जत वो कर रहा है, सदमे में है। मतलब वो उसी गांव का पलवा गांव के ही लोग हैं, मतलब और ओमी मीणा हैं जी, हैं तो सनो बोरिया मीणा जी गांव के हैं, और 53 साल उम्र है उसकी। मतलब घर में घुसकर उसने मतलब मूक बधिर बच्ची के साथ में मतलब अंदर कुंडी लगा कर वो दुष्कर्म किया है। बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, जो न बोल सकती है न सुन सकती है, ऐसी बच्ची के साथ हम न्याय चाहते हैं। परिवार की आर्थिक सुरक्षा और कानूनी सुरक्षा चाहते हैं। परिवार पूरा सदमे में है, बार बार से इनको धमकियां दी जा रही है, डराया जा रहा है, केस को वापस लेने की बार बार धमकियां दी जा रही है। इस वजह से न तो हमारे साथ कानून पूरा सहयोग कर रहा है, ना ही अन्य कोई समाज के नेता या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस बच्ची को पूर्ण न्याय मिले। मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में गुरुवार को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया गया। इस दौरान उनके स्वरूप का अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा भगवान को रोट का भोग लगाया गया, साथ ही कथा भी सुनाई गई और श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन किए गए। पुजारी पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि अनंत चतुर्दशी पर रखा जाने वाला व्रत सुख समृद्धि के लिए कल्याणकारी होता है। इसके अलावा शुक्रवार से पितृ पक्ष आरंभ होंगे। आज अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रातः काल भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जो छोटी प्रतिमा है उनका अभिषेक किया और पुरुषोत्तर के पाठ सुनाए, क्योंकि कल से पितृ पक्ष भी लग जाएगा। और जब विष्णु पुरुषोत्तर का विष्णु सहस्त्रनाम के जब पाठ किए जाते हैं तो उनसे पितर भी प्रसन्न होते हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ किए, भगवान का अभिषेक किया और अभी दोपहर में 12 बजे भगवान श्री अनंत चतुर्दशी की कथा हुई और 12 बजे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा होगी हुई और अनंत इसका भी भक्त लोग इस कथा का श्रवण करके अब अनंत की अपनी मनोकामना पूरी करें। जिले में मतदाता जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। इसी संबंध में जिला निर्वाचन मॉस्कॉट और मतदाता जागरूकता पोस्टर्स का विमोचन भी सचिवालय में सम्पन्न हुआ। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुखराज सेन, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा, स्वीप प्रभारी एवं जिला परिषद के सीईओ कनिष्क कटारिया आदि यहां मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार स्वीप प्रकोष्ठ द्वारा मतदाता जागरूकता गतिविधियां कराई जा रही हैं। अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसके लिए या उसके पहले भी हम जब भी मतदाता सूची के नाम लिखवाने के लिए नए मतदाता हैं या जो मतदाता के नाम छूटते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए स्वीप एक्टिविटीज करते हैं। दूसरा, जब मतदान होना है तब सभी मतदाता मतदान केंद्रों पर आए और अपना मतदान करें, इसके लिए मतदाताओं को एजुकेट करने का काम किया जाता है और उनको जागरूक करने के लिए स्वीप एक्टिविटी निरंतर रूप से की जाती है। आज हमने हमारे जो है जिले का मस्कट जो है मत्तू सिंह और वोटी भाई जो है हमने आज जारी किया है। अभी यहीं पर हमने जिले में ही एक कंपटीशन करवाया था और उससे ये निकल के आया और ये उसको हमने लॉन्च किया है। साथ में हमने जो पोस्टर्स हैं इसके जो जिले स्तर पर ही यहाँ पे बनाए गए हैं उनको भी लॉन्च किया और ये सारे पोस्टर्स हम प्रचार के लिए काम में लेंगे कि जब मतदान का समय हो तब भी हम काम में लेंगे और नाम लिखवाने के लिए कि सभी लोग अपना मतदाता सूची में नाम लिखवाए उसके लिए भी। उसके लिए वोटर हेल्पलाइन से नाम जुड़वा सकते हैं और BLO को अगर कोई जो वोटर हेल्पलाइन यूज़ नहीं कर पा रहे तो वहाँ जो BLO है वो BLO मतदान केंद्र पर रहते हैं। हमें सभी जो हमारे बूथ हैं उस पर हमने BLO कौन है, उसके मोबाइल नंबर क्या है, इसकी जानकारी अधिकांश जगह लिखी हुई है। जहाँ नहीं लिखी हुई है हम सभी बूथों पे लिखवा रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति है वो अपने BLO से संपर्क करके भी अपना नाम। गौरतलब है कि विभिन्न बूथों पर लगाए गए शिविरों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के कार्य भी किए गए हैं। इसे लेकर भी वोटर्स को लगातार जागरूक बनाया गया। एक बात का रखें ख्याल, अगर 1 अक्टूबर 2023 को आपकी उम्र हो जाए 18 साल तो तुरंत अपने BLO से संपर्क करें, फॉर्म नंबर 6 भरें और मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और घर बैठे ही अपनी वोटर आईडी पाएं। आप चाहें तो वोटर सर्विस ऐप या भारत निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल पर भी फॉर्म नंबर 6 भर सकते हैं और घर बैठे ही अपनी वोटर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं आप, 18 साल के होते ही सबसे पहले करें ये काम, मतदाता सूची में जुड़वाएं अपना नाम। और हाँ,
का टॉप डेट तो याद है ना, 1 अक्टूबर 2023। कुल मिलाकर चुनाव समीप आने के साथ ही मतदाता जागरूकता गतिविधियां तेज हो गई हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अलवर के लोहिया का तिवारा पर 6 से 8 अक्टूबर तक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा आयोजित होगी। इसे लेकर जिला प्रशासन और कथा समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला कलेक्टर पुखराज सेन और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। समिति से जुड़े पदाधिकारी ने बताया कि आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। साथ ही समिति ने बताया कि उन्हें प्रशासन का किस पहलू में कितना सहयोग चाहिए। आगामी जो 6 से 8 अक्टूबर को अलवर में हनुमंत कथा होने जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, उसके लिए माननीय जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला प्रशासन के साथ कथा के समिति के लोगों की एक मीटिंग हुई, जिसमें कथा की तैयारियों के बारे में चर्चा हुई, किस किस तरीके से इस कार्यक्रम को करना है, अभी जो भी और इसमें तैयारियां बाकी हैं उन पर कार्य करके और उसके लिए स्वीकृति ली गई है, और समिति को ने अपने अपनी जो प्रशासन को अपने क्या सहयोग उसके लिए अपेक्षा की है उसके लिए बताया है, प्रशासन समिति से क्या अपेक्षा करता है वो प्रशासन ने बताया है, उन सबों पर कार्य करके एक सुंदर और भव्य आयोजन 6 से 8 अक्टूबर को अलवर जिले में होने जा रहा है। हेलीपैड की परमिशन के लिए अभी स्वीकृति के लिए लगाएंगे, उसके बाद वो परमिशन प्रशासन के द्वारा दी जाएगी। वहीं इस दौरान कथा आयोजन से जुड़े सीए श्री कृष्ण गुप्ता सहित सुधीर माथुर, दिलीप मोदी, मुकेश विजय, सुरेश जलालपुरिया, सूर्यकांत शर्मा और सुधीर गुप्ता आदि मौजूद रहे। उधर सार्वजनिक निर्माण विभाग को जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हेलीपैड और पार्किंग स्थल का मौका देखकर स्थान निर्धारित किया जाए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 233-8663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत राय से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 20। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 20। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बातिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा,
हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर में ई रिक्शा से बैटरी चोरी होने की घटनाएं जारी हैं। छाजू सिंह का दरवाजा के समीप चितावन की गली में गत रात्रि अज्ञात चोर घर के बाहर खड़े ई रिक्शा से 2 बैटरी चोरी कर ले गए। चोरी की घटना का पता सुबह लगा जब ई रिक्शा चालक बैटरी चार्ज करने के लिए तार लगा रहा था। चालक पप्पू साहू ने बताया कि वह रात करीब 2:30 बजे घर लौटा और बाहर ही ई रिक्शा खड़ा कर दिया, लेकिन अज्ञात चोर 2 बैटरियां चुरा कर ले गए। इसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज करवा दी गई है। 2:30 बजे लाए बैटरी में रिक्शो कब लाए 12 बजे कल रात को। फिर चार्ज रिक्शा का सुबह चार्ज करो मैंने, फिर बैटरी ना आई हमें। सुबह चार्ज करने के बाद बैटरी पा रही। हाँ, ये फिर रात को ही हो गई। रात में ही होगी, सुबह चार्ज करने के लिए लगाया। हाँ, फिर क्या देखा आपने, कहाँ से बैटरी? बैटरी देखी बस। अच्छा, कितनी बैटरियाँ थी? हम 4 आए, 2 गई। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से गुरुवार को गायत्री मंदिर में गर्भवती महिलाओं के लिए पुंस वन संस्कार आयोजित किया गया। इस दौरान पुरातन काल संस्कार के तहत महिलाओं के गर्भ पूजन सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। गायत्री परिवार से जुड़े विजय गुप्ता ने बताया कि आओ गढ़े संस्कार अभियान जारी है। वहीं भारतीय मान्यता के अनुसार परमात्मा का अंश गर्भ में आता है, इसी के तहत गर्भवती महिलाओं को बताया गया कि गर्भ के दौरान किस तरह की दिनचर्या रखी जाए जिससे गर्भ के अंदर ही बच्चा अच्छे संस्कार लेकर पैदा हो सके। इसमें पुंसवन में ये होता है कि गर्भवती बहन जिसका 3rd-4th माह का गर्भ है उसका पूजन कराया जाता है, गर्भ पूजन कराया जाता है। हमारी भारतीय मान्यता ये है कि जो परमात्मा की जो अंश है वही गर्भ के अंदर आती है, तो परमात्मा की चेतना जब हमारे शरीर के अंदर आती है, बहन के अंदर आती है, तो उसका पूजन करना हमारा धर्म बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है। साथ में ही ये बताया जाता है गर्भिणी का जीवन कैसा हो, उसको अभी करीब 7-8 महीने 9 महीने तक कैसे रहना है, उसकी दिनचर्या कैसी हो, सुबह उठ जागरण से लेकर के शयन तक की उसको दिनचर्या बताई जाती है, उसको खान पान बताया जाता है, रहन सहन बताया जाता है, किस तरह का साहित्य पढ़ें, किस तरह के समाचार सुने, किस तरह की जानकारियाँ उसको सारी जानकारी इस माध्यम से बताई जाती है, जिसके अंदर गर्भ के अंदर ही बच्चा है जो अच्छे संस्कार लेकर के पैदा होगा और हमारे जो समाज में जो आज बिगड़ता हुआ चला जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है, पतन से रोकने के लिए ये हमारी पौराणिक जो परंपरा है, संस्कार परंपरा, उसको जागृत किया। भाजपा के नेता चौधरी इंद्रपाल सिंह का कहना है कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के बाद प्रदेश में पार्टी के पक्ष में माहौल बना है। दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत जनता को पानी पिलाने में नाकाम रहे हैं। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई राशि में घोटाला हुआ है। दूसरी ओर सीएम अशोक गहलोत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के नाम पर जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। चौधरी के अनुसार 13 जिलों में पेयजल की समस्या के लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। भारत सरकार, उस भारत सरकार ने राजस्थान के लिए पुरजोर कोशिश कर रखी है, इतना पैसा दिया है, अगर ये उस पैसे को सही समय पर सही जगह पर लगा ही नहीं पाए, उस पैसे के मामले में आपने देखा होगा कितना बड़ा घोटाला राजस्थान सरकार ने किया है। जबकि ERCP की ये बात करते हैं, ERCP के लिए तो हमारी सरकार बिल्कुल बाध्य, सब लोगों को हर घर नल हर घर जल देने के लिए तैयार है, अब ये उस चीज़ को बुनाने के लिए क्षेत्र में घूम रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, 0 मिलेगा, जहां भी जाएंगे इनको कोई भी चीज़ का फायदा मिलने वाला नहीं है। कि सारी राजस्थान की जनता मन बना चुकी है इन लोगों को उखाड़ फेंकना है हमारे को। अभी से 5 साल इन्होंने जो निकाले उस समय इनको याद नहीं है ERCP, आज इनको चुनावी समय जब आ गया है, जब हमारी पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रही है, हमारे पार्टी की जो इतना बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है, तो ये घबराहट इन लोगों के अंदर जो हो रही है वो घबराहट को लेके चिंतित हैं। अभी कुछ भी कोई भी चीज़ जनता के बीच में लेके जाएंगे तो इनको कोई फायदा मिलने वाला अब नहीं है। शहर में भगत सिंह सर्कल स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। यहां अमर शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती के अवसर पर याद किया गया। इसके अलावा मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर प्रोफेसर रमेश बैरवा, जनवादी महिला समिति से जुड़ी रहीसा खान, प्रोफेसर भारत लाल मीणा आदि मौजूद रहे। वहीं प्रोफेसर मीणा के अनुसार शहीद भगत सिंह के विचार आज भी महत्वपूर्ण है, साथ ही सद्भाव एवं भाईचारे के लिए सभी संगठनों को काम करना होगा।
रक्त सिंह जयंती की पूर्व संध्या पर हम सभी साथी यहाँ शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति पर कैंडल लाइट करके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मौजूदा दौर में भगत सिंह के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनका स्मरण करके ही हम भारत की साझी साजत साझी विरासत जो कि गंगा जमुना तहजीब पर जो है बल देती है उसको बचा सकते हैं। साझी साजत साझी विरासत और यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को बचाकर रखने के लिए अपना साझा प्रयास करेंगे। इसी सिलसिले में हम आज भगत सिंह को याद करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए प्रेम का संदेश न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के स्तर पर देना चाहते हैं। नाथ समाज का प्रतिनिधि मंडल हिंदू वाहिनी संगठन के राष्ट्रीय सचिव निर्मल सूरा के नेतृत्व में कलेक्टर और एसपी से मिला, साथ ही हाल ही लक्ष्मणगढ़ के ग्राम गोठड़ा में हुए घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस गांव में नाथ समाज के 250 परिवारों की बस्ती है। यहां नाथ समाज के एक पुरुष के मरणोपरांत संस्कार समाधि के दौरान कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया को बाधित कर दिया। एसपी के निर्देश पर संस्कार समाधि पूरी हो पाई थी, लेकिन अब उपद्रवियों द्वारा नाथ समाज के लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में संस्कार समाधि के लिए भूमि आवंटित करने और उपद्रवियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग पर ज्ञापन सौंपा गया। गुरु गोरखनाथ की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये गोठड़ा से नाथ समाज के लोग हैं, वहां पर मैं इनके धाम पे भी गया था। गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है इनका, और वहां पर जो एक इनका जो पूर्वज दफनाए जाते थे, क्योंकि समाधि लगती है, वही बात समाधि लगती है, और हाँ समाधि लगने को विवाद खड़ा करने वाले कुछ हरिजन के लोग आए थे कि हम यहाँ पर समाधि नहीं लगने देंगे, और उन्होंने विवाद इतना उत्पन्न कर दिया। इनके द्वारा मुझे फोन किया गया, मैंने एसपी साहब को अवगत कराया कि मामले की गंभीरता को आप तत्काल प्रभाव से कंट्रोल करें। मैं धन्यवाद करूंगा एसपी महोदय का, उन्होंने तत्काल डीएसपी लक्ष्मणगढ़ को पाबंद करते हुए वहां पर मौके मुआयने पर भेजा और उन्होंने समाधि की प्रक्रिया को पूर्ण कराया। अब उस समाधि स्थल के चारों तरफ डंडा खींचा हुआ, बाउंड्री बनी हुई है, लेकिन वो असामाजिक तत्व जो हरिजन जाति से आते हैं इनके साथ आए दिन उपद्रव वगैरह मारपीट की धमकियां देते हैं कि हमको इसमें से डंडा तोड़ के रास्ता दो, जबकि जहां पर एक इनकी समाधि स्थल है वहां से रास्ता होना बड़ा मुश्किल है और इनको परेशान किया जाता है। अभी जिला कलेक्टर महोदय को इनकी भूमि आवंटन के नाम करने की एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। ये क्या है कि हमारे शमशान भूमि 300 वर्षों से पुरानी है, हमारे बुजुर्गों को वहाँ समाधि दी जाती है, हमने सबने इकट्ठे होकर के उसकी चार दीवारी किया है। वहाँ हमारे क्या है कि शमशान घाट के अंदर एक मनुष्य की मृत्यु हो गई थी, हमने जब उनको वहाँ दफन किया, दाह संस्कार किया, तो कुछ हरिजनों ने उनको दाह संस्कार करने नहीं दिया, यह आदेश। फिर डिप्टी साहब अलवर से आए थे, हमारे निर्मल सूरज जी ने उनको भेजा था, तब हमारे को दाह संस्कार देने दिया। क्या कहते हैं ये लोग? वो ये कहते कि हमको रास्ता चाहिए, और हमने उनसे मना कर दिया, साहब हमारे बुजुर्गों का यहाँ कार्य होता है इसलिए हम आपको रास्ता नहीं देंगे। ये हमारा तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन जी ये कहते कि हमको शमशान घाट की जो भूमि मांगते हैं तो उसको कुछ कागजात या हमको नाव कुछ दिया जाए। वही इस दौरान महंत राजनाथ योगी, राम अवतार योगी, राजा राम, भजन लाल, रामेश्वर और लक्ष्मण योगी आदि उपस्थित रहे। कचरा मुक्त भारत की थीम पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसे लेकर गुरुवार को जिला स्तर पर गतिविधियां आयोजित की गई। इस दौरान जिला परिषद के सीईओ कनिष्क कटारिया ने सभी कार्मिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई, साथ ही कार्यालय में 1 घंटे श्रमदान किया गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ब्लॉक स्तर पर भी स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का आयोजन हुआ। कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ 2 जगह कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी अखेपुरा मोहल्ले में स्कूल के समीप रात 8 बजे बाद अलग अलग स्थानों पर शराब बेच रहे थे। एएसआई रामगोपाल ने बताया कि गिरफ्तार हुए युवक लक्ष्य और आकाश कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इन आरोपियों पर आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। कल दिनांक 27/9/23 को थाना कोतवाली अलवर द्वारा अवैध रूप से शराब बेचते हुए मोहल्ला के पुरा चमेली बाग से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार, अलग अलग जगह से आमने सामने गिरफ्तार किया था, जो सरकारी ठेके से शराब को अपने अवैध रूप से
बेतान करते मिले, जिनको कांचराम एसआई द्वारा व बिजेंद्र एसआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है। क्या क्या नाम है दोनों? एक का नाम लक्ष्य और दूसरे का नाम भुवनेश्वर उर्फ बाबी उर्फ आकाश, दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। क्या कब्जे से कितनी बरामद हुई दोनों को? एक के कब्जे तो उससे भुवनेश्वर के कब्जे से तो 55 पौवे और दूसरा जो लक्ष्य है उसके कब्जे से 52 पौवे नींबू मस्ताना देश शराब बरामद हुए। क्या किस तरह देश का मिला अवैध शराब? अवैध ये रात को जब ठेका वगैरह से ला करके और अपने मोहल्ले बस्तियों में करती हम छुप के वहाँ स्कूल के पास सामुदायिक भवन के पास बेच रहे थे। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले विजयनगर स्थित एक सोने मकान को तीन चोरों ने निशाना बनाया था। वे मकान में लगे सभी नलों की फिटिंग को उखाड़ कर ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में शंकर और श्याम को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इनके साथ ही जहरीली को धोबीघट्टा रोड से गिरफ्तार किया गया है। जहरीली के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न स्थानों में आपराधिक मामले दर्ज है। एक विजयनगर में चोरी हुई थी जिसमें दो मुलजिम पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक मुलजिम शेष बचा था जिसको अब गिरफ्तार कर पेश करने ले जा रहे हैं, जिसका नाम शंकर उर्फ जहरीली है। ये हमारे मुकदमे का वांछित मुलजिम था। कहाँ का रहने वाला है ये? धोबीघट्टा का रहने वाला शंकर उर्फ जहरीली नाम है इसका। कहाँ से इसको गिरफ्तार किया है? वहीं उसके घर के पास से ही गिरफ्तार किया था इसको। तो पूर्व में इसके मुकदमे? हाँ, पूर्व में इसके काफी मुकदमे दर्ज है। कब हुई थी चोरी, किसके घर हुई? ये अपने विजयनगर में एक बंद मकान पड़ा है जिसमें वो परिवादी बाहर रहता है, दिल्ली में जॉब करता है। उसका सोना मकान था, उसमें नल टूटी वगैरह की चोरी हुई थी जिसमें पूर्व में जो पकड़े गए दोनों आरोपी का क्या नाम है? उनका नाम एक तो श्याम उर्फ गदा है और दूसरे का नाम शंकर उर्फ शिवा है। और अभी आज इसको गिरफ्तार करके पेश करने के लिए ले जा रहे हैं। जाटव महासभा समिति ने खुदनपुरी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष कुंदनलाल जाटव ने बताया कि युवक युवती परिचय सम्मेलन 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगा, साथ ही सामूहिक विवाह समारोह 24 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल 200 फीट रोड स्थित हार्दिक मैरिज होम रहेगा। वहीं रमेश चंद जाटव, डॉक्टर राजेश वर्मा, प्रभुदयाल तंवर, मोहनलाल वर्मा, पूर्ण दिनार और गुमान सिंह जाटव आदि बैठक में मौजूद रहे। अखिल राजस्थान जाटव महासभा जिला शाखा अलवर के तत्वावधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाने बाबत आज समाज की एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग का प्रमुख एजेंडा जो है वह निम्न प्रकार से है। 8 अक्टूबर 2023 को हार्दिक मैरिज होम में जो अब तक जोड़े बन चुके हैं उन जोड़ों को बुलाकर उनका अंतिम रूप से परिचय सम्मेलन यानी कि गोद भराई की जो रस्म होती है वो की जाएगी। उसके बाद में 24 नवंबर 2023 को हार्दिक मैरिज होम 200 फुट रोड अलवर में विवाह समारोह का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। वधु पक्ष को सीधे ही मैरिज होम पहुंचना है और वर पक्ष को चढ़ाई स्थल से पहुंचना है प्रातः 10 बजे। वो चढ़ाई करते हुए बैंड बाजे घोड़ियों के साथ में विवाह स्थल पर पहुंचेंगे। तत्पश्चात 12 बजे हम विवाह संपन्न करने की प्रक्रिया को विधिवत रूप से विधि विधान से संपन्न कर पाएंगे। ATL न्यूज चैनल जो हमारी इस सामाजिक जो उत्थान है तो हम जो आज इस भीड़े को लेकर चल रहे हैं इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग मिलता रहता है। तो मैं सभी समाज के गणमान्य नागरिकों से, दानदाता भामाशाहों से, कर्मचारी अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे काम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खबरें अभी और भी हैं लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442
2338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद वार्ड नंबर 20। अलवर ग्रामीण विधानसभा सहित जिले में विकास की गंगा बहाने के लिए एकमात्र लोकप्रिय नेता टीकराम जूली का हार्दिक आभार। निवेदक जगदीश जाटव, जिला पार्षद वार्ड नंबर 20। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नारायणपुर उपखंड के शहीद भंवर सिंह शेखावत स्मारक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहीद के छठे शहादत दिवस पर यह आयोजन हुआ। मोहल्ला तलुंडी का में लगे शिविर के दौरान श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष वैद्य भवानी शंकर शर्मा, निदेशक मोनू शर्मा, संगठन मंत्री महेश चंद सैनी, सचिव सुनील कुमार शर्मा और नागराज शर्मा आदि मौजूद रहे। इस दौरान शहीद भंवर सिंह शेखावत की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही वीरांगना अर्चना कंवर एवं शहीद के पिता रघुवीर सिंह शेखावत के अलावा प्रताप सिंह शेखावत का अभिनंदन हुआ। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सिरिसेट झील पर पर्यटन विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत आरटीडीसी पैलेस पर लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं कलाकारों ने विधानसभा चुनाव में मतदान अवश्य करने के प्रति पर्यटकों को जागरूक किया। पर्यटन विभाग की अधिकारी टीना यादव ने बताया कि हर वर्ष की तरह 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पर अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस मौके पर सिलिसेड मैनेजर केसर सिंह, संजय कुमार एवं अन्य लोग मौजूद रहे। कुमारी अलवर जिले की लोक कलाकार, आप सभी युवा वर्ग के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संख्या में अपना वोट प्रदान करें। आज हमारे शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल है सिलीसेड़, उस पर हमारे लोक कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां जो हैं वो की जा रही हैं। तो इस प्रकार से एक मिला जुला कार्यक्रम जो है वो अलग अलग प्रकार के मैसेज देते हुए तैयार किया गया था, जिसका आज अब समापन जो है वो सिलीसेड़ लेक पर किया जा रहा है। और वहीं सरिस्का बाग परियोजना में पर्यटक भ्रमण पर इन दिनों रोक के चलते सिलीसेड़ और नटनी का बारा पर सैलानियों की भीड़ लग रही है। 1 अक्टूबर से सरिस्का को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। उधर गुरुवार को अवकाश के चलते नटनी का बारा स्थित रूपारेल नदी का नजारा देखने के लिए लोगों का जमावड़ा रहा। अकबरपुर कस्बे के मुख्य मार्ग पर नाले का लैंटर हटने के कारण खाद के कट्टों से भरा ट्रक फंस गया। ऐसे में मौके पर ही खाद के कट्टों को उतारकर ग्राम सेवा सहकारी समिति पहुंचाया गया। रोड की हालत खराब होने की वजह से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं।
रात्रि में तो यहाँ से आवाजाही मुश्किल हो जाती है। उधर गुरुवार को ग्राम पंचायत द्वारा मुख्य रास्ते पर स्थित नाले की सफाई की गई है। खैरथल के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित खेल मैदान में जाटव समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आरंभ में दीप प्रज्वलन हुआ, साथ ही अतिथियों को साफा बांधकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजगढ़ नगरपालिका के नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष राजेंद्र चेयरवाल ने दूसरी बार कार्यभार ग्रहण किया। वे समर्थकों के साथ नगरपालिका पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए चेयरवाल ने बताया कि उनकी प्राथमिकता कस्बे के पार्कों का सौंदर्यीकरण, सफाई एवं रोशनी के पर्याप्त इंतजाम सहित गोल सर्किल के बरामदों का अतिक्रमण हटाना है। मैं राजगढ़ जनता के लिए सबसे प्रथम सौगात राजगढ़ में जितने भी पार्क हैं उनका ऐतिहासिक सौंदर्यीकरण 7 दिन के अंदर करूँ, ताकि राजगढ़ की जो पब्लिक है, जो गंदगी के आलम में डूबे हुए पार्क हैं, उनको ऐसा कर दूंगा कि आम जनता का मन बैठने का करे। जितने भी 15 फीट या उससे ऊपर के वृक्ष हैं उनकी शाखें कटवाई जाएंगी, फूल लगवाए जाएंगे, घास लगवाई जाएंगे और सारे गेट हैं जो बदलवा के खुले रखे जाएंगे, ताकि आम जनता उनमें बैठे, उनका सदुपयोग करे। पार्क ऐसा लगना चाहिए कि अगर कोई घूमने वाला है तो राहत का जगह मिली। कर्मचारियों को हिदायत दे दिए कि डोर टू डोर जाना शुरू कर दे, और जितने भी राजगढ़ के जैसे गोल चक्कर है जी, कोर्ट परिसर है जी, पंडित भवानी साई जी शर्मा जी है, महात्मा ज्योतिबाराव फूले, ये ऐसे पॉइंट है जहाँ गंदगियों के आलम है जी, इन स्थानों को बदल दूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं राजगढ़ नगर पालिका का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ 1959 से आज तक, जिसने नगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल उठाया है, और मैंने ACD में इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। मैंने आपसे अभी खुले मंच पे ये भी कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर इनको जेल में बैठा दूंगा, और अब तक जो हुआ है उसके बारे में तो मैं सिर्फ म्यूनसिपलिटी अधिनियम 332 के तहत में रिपोर्ट ही दर्ज करा सकता हूँ, यही मेरे अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन मेरे कार्यकाल में अगर कोई चमन्नी का भी गड़बड़ी मिल जाएगी, जैसे कोटेशन से मैं नहीं मानूंगा, जो भी बिल है GST के जरिए आएंगे, जो भी कार्य होंगे टेंडर के जरिए होंगे, ओब्लाइज 0% की भी उम्मीद नहीं करें कोई मुझसे। सकट कस्बे के मुख्य बाजार स्थित श्री थाई वाले हनुमान जी महाराज मंदिर में बुधवार रात्रि को संगीतमयी सुंदरकांड पाठ किया गया। हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष पुजारी पंडित रूप किशोर जैमन ने पूजन एवं अखंड दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। वहीं सुंदरकांड के बाद मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन हुआ। इसमें कलाकार पप्पू सोनी, महेंद्र छिपी, बाबूलाल चौबे, हरिशंकर जैमन और गोपाल प्रसाद पांचाल ने हनुमान जी के भजन प्रस्तुत किए। इस मौके पर हनुमान जी की फूल बंगला झांकी सजाई गई और प्रसाद वितरण हुआ। उधर कार्यक्रम में बाबूलाल जैमन, विनोद जैमन, महेंद्र, मनोज, अवधेश जैमन और लहरी चौधरी आदि मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बड़ौदा मेव का, जहां कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्थित गणेश मंदिर में आयोजित गणपति महोत्सव संपन्न हो गया है। समिति के सदस्य अमित शर्मा और कमेंद्र चौधरी ने बताया कि 10 दिन तक धूमधाम से गणपति महोत्सव आयोजित किया गया। समापन अवसर पर गुरुवार को गणेश जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान शिव पार्वती, राधा कृष्ण और काली माता की झांकी भी निकाली गई, साथ ही शिव का भस्मधारी रूप दिखाया गया। शोभा यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा कर जगह जगह गणेश जी की आरती की गई। ये बड़ौदा में नवयुग मंडल द्वारा जो गणेश विसर्जन की जो शोभा यात्रा निकाली गई, ये मुख्य बाजार से होते हुए और आज श्याम बाबा के दरबार तक यहाँ पहुंची है। गत 25 वर्षों से लगातार हम इस प्रकार से ही गणेश चतुर्थी मनाते आए हैं। इस बार भी ये कार्यक्रम भव्य रूप से प्राचीन जो गणेश मंदिर है, जो हॉस्पिटल के जस्ट सामने है, उसमें मनाया गया। और रोजाना शाम को करीब 7 से लेकर 8 बजे तक सैकड़ों की संख्या में भक्त उपस्थित होते हैं वहाँ, और बहुत सारा प्रसाद बांटा गया। यानी कि हर दिन कभी मेवा, मिश्री, तरह तरह का भोग भगवान गणेश को लगाया गया। आज उसका अंतिम दिवस है, जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमा को रंगारंग झांकियों के साथ करीब 5 या 6 ट्रैक्टरों में, जिसमें शिव पार्वती, एक राधा कृष्ण जी, एक काली माता और एक साक्षात गणेश जी की प्रतिमा, उसको बड़े ही धूमधाम के साथ, और गुलाल की होली, फूलों की होली,
और महाभोग का लड्डू, उसके साथ कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए श्री श्याम सत्संग भवन शिव हनुमान मंदिर पर लाया गया, जिस झांकी का जगह जगह बहुत सारे श्रद्धालुओं और अन्य मंडल के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। बड़ौदा में कस्बे के श्री मुनि सुव्रत और श्री चंद्र प्रभु जैन मंदिर में श्रावकों ने अनंत चतुर्दशी के पर्व पर श्री जी का महाअभिषेक किया, साथ ही महाशांति धारा हुई। जैन समाज से जुड़े रवि जैन ने बताया कि गुरुवार को वासु पूज्य भगवान के मोक्ष कल्याणक पर्व के अवसर पर सामूहिक निर्वाण कांड का वाचन हुआ, वहीं निर्वाण लाडू चढ़ाकर महाआरती की गई। इसके अलावा दशलक्षण पर्व के अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी पर्व पर उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा हुई और 24 तीर्थंकरों की पूजा अर्चना की गई। सभी जैन व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे। उधर हर्ष कुमार शास्त्री ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर प्रवचन दिए। इस दौरान चंदाराम जैन, विनोद जैन, सौभाग्य, रमेश जैन और संतोष जैन आदि की मौजूदगी रही। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक सूरज भान धानका ने लक्ष्मणगढ़ में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। कस्बे के भगत सिंह सर्कल के पास यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व विधायक धानका ने विधिवत पूजन के अलावा फीता काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान चंद्रभान धानका, घनश्याम शर्मा और नितिन जैन आदि मौजूद रहे। पिछले कुछ अरसे में कई जगहों पर आपसी सौहार्द में कमी आने के उदाहरण सामने आ चुके हैं, लेकिन लक्ष्मणगढ़ में हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी सौहार्द देखने को मिलता है। कस्बे के 7 दिवसीय गणेश महोत्सव के समापन कार्यक्रम के तहत सिलीसेड़ में विसर्जन संपन्न हुआ। इस विसर्जन कार्यक्रम में लक्ष्मणगढ़ के आसम खेलदार इकबाल खान, इमरान खान सहित अन्य मुस्लिम युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गत दिनों हनुमान जयंती सहित कई अन्य पर्वों पर निकाली गई शोभा यात्राओं के दौरान मुस्लिम युवाओं द्वारा पुष्प वर्षा की गई थी। भरतपुर जिले के पहाड़ी में सिपाही की मौत के बाद बवाल मच गया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने पहाड़ी अस्पताल और पुलिस थाने में हंगामा किया। परिजन सिपाही की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उधर छत से नीचे गिरकर सिपाही उदय सिंह की मौत की बात कही जा रही है। 3 दिन पहले ही उन्होंने पहाड़ी पुलिस थाने पर ज्वाइन किया था। मृतक नगर थाने के फतेहपुर कला गांव का रहने वाला था, साथ ही वह पहाड़ी में रिकॉर्ड रूम के ऊपर बनी बैरकों में रह रहा था। शहर के भवानी तोप के समीप पशु चिकित्सालय के बाहर पशु चिकित्सकों का धरना गुरुवार को समाप्त हो गया। नॉन प्रैक्टिस भत्ता देने की मांग पर मुख्यमंत्री की सहमत के बाद पिछले 11 दिनों से जारी राज्य व्यापी आंदोलन समाप्त हो गया है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पशु चिकित्सक संघों की वार्ता हुई। उधर आंदोलन समाप्ति के बाद बेमियादी अनशन पर बैठे डॉक्टर विमल रसगनिया और डॉक्टर निहाल सिंह को एडीएम सिटी नरेश तंवर ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। वहीं संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप यादव ने आंदोलन में सहयोग करने वालों का आभार व्यक्त किया। वहीं डॉक्टर उमेश मीणा ने भी अपने विचार रखे। हमारी जो मुख्य मांगे तो हमारी 11 सूत्रीय थी, लेकिन अभी जो मुख्य मांग हमारी थी वो एनपीए की मांग थी। और हमने पिछली बार जो जनवरी दिसंबर में भी हमने 40 दिन तक लगातार वहां पर भी अनशन किया था, लेकिन उस समय हमारे मंत्री जी ने हमसे वादा भी किया था, लेकिन उस समय कोई ना कोई कारण जो भी रहा, उसके बाद में अभी हमने 16 सितंबर को यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। हमारे साथ में गौपालक और गौ संचालक हो गए, पशुपालक भी आए थे। उसके बाद में 18 सितंबर से हम लगातार सामूहिक अवकाश पर हैं और कंटिन्यू यहां पर हम चल रहे हैं। और 26 तारीख से यहां पर हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। पहले हमारे साथ विमल जी ने स्टार्ट किया, उसके बाद में दूसरे दिन मैं भी यहां पर आमरण अनशन पर बैठा। और ये हमारी एनपीए की जो सरकार ने जो डिमांड है वो हमारी सुन ली है और उसके लिए हमें आश्वासन दिया है और जल्दी उसके ऑर्डर निकल जाएंगे, तो हम अभी सरकार से खुश हैं। विश्व हृदय दिवस पर निःशुल्क ब्लड प्रेशर एवं मधुमेह जाँच शिविर शुक्रवार को कंपनी बाग में आयोजित किया जाएगा। आईएमए अलवर शाखा के अध्यक्ष एवं मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर एस सी मित्तल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 29 सितंबर को आईएमए अलवर, रेड क्रॉस सोसाइटी एवं इनर व्हील क्लब द्वारा कंपनी बाग में शिविर लगाया जाएगा।
यहां सुबह 6:30 बजे से प्रातः 8 बजे तक परामर्श दिया जाएगा। इसके अलावा मित्तल हॉस्पिटल द्वारा सभी मरीजों की निःशुल्क ब्लड प्रेशर एवं मधुमेह की जांच की जाएगी। और इस वर्ष जो विश्व हृदय दिवस का थीम है वो है यूज हार्ट नो हार्ट। आप अपने हृदय को जानें और अपने हृदय को उपयोग में लें और दूसरे का ध्यान रखें, अपने हृदय के साथ में दूसरे के हृदय का भी ध्यान रखें और अपने हृदय के बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि क्यों इसमें बीमारी होती है और क्या इसमें ऐसे लक्षण आते हैं। तो आज का जो थीम है विश्व हृदय दिवस के ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि भारतवर्ष में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और लाइफस्टाइल की बीमारियां बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रही हैं और हृदय रोग भी बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं। चाइना के बाद डायबिटीज़ का जो वर्ल्ड में जो है वो भारत का ही नंबर है और बहुत सारे मरीज जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाएँ नहीं लेते हैं, खासतौर से ब्लड प्रेशर की तो दवा बहुत कम लेते हैं। एक तो चेक ही नहीं कराते हैं, चेक कराते हैं तो फिर दवा नहीं लेते हैं और दवा कुछ लेते हैं तो फिर उसके बाद कुछ दिन बंद कर देते हैं क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो है वो लक्षण नहीं देते हैं और ये साइलेंट किलर की इसी तरह काम करते हैं। सर्वप्रथम जो चीज़ हमको समझनी चाहिए वो है कि लाइफ स्टाइल बीमारी है और इसको हम लाइफ स्टाइल से ही ठीक कर सकते हैं। दवाइयाँ भी महत्वपूर्ण हैं परंतु सबसे बड़ी बात जो है वो हमको अपना वजन कम करना, सॉल्ट इनटेक जो है वो कम करना, 5 ग्राम से ज़्यादा हम सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। हिंदुस्तान के सभी लोग 8 ग्राम से 10 ग्राम तक सॉल्ट लेते हैं, ऊपर से नमक छिड़क करके उसमें सब्जी में और सलाद में खाते हैं। हमें 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। शुगर जितनी कम से कम ले सकें वो करें। स्मोकिंग, अल्कोहल वो हार्ट को बहुत नुकसान करती हैं। वजन जो है हमारा जो कमर है वो मेल्स में जो पुरुषों में 40 और महिलाओं में 38 इंच की होनी चाहिए, 90 और 100 इसको कहते हैं। और ये हमको मेजरमेंट हमका ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कमर ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही है। इसके अलावा जो हमें नींद पर्याप्त लेनी चाहिए वो भी हार्ट के लिए हमारी बहुत अच्छी आवश्यकता है। और मेन बात है कि हमको रेगुलरली टेस्ट कराते रहने चाहिए, जिसमें लिपिड प्रोफाइल है, हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारी शुगर है, हमारी HbA1c जो 3 महीने का एवरेज है, ECG है और यदि पेन वगैरह हो रहा है आपको तो उसमें आपको TMT और ECO भी कराना चाहिए। स्ट्रेस से जितना अधिक यंग एज में स्ट्रेस हो रहा है और यंग एज में जो लोग हार्ट अटैक पर बढ़ रहे हैं वो हमारे तनाव से बढ़ रहे हैं क्योंकि हम अपनी बॉडी को अधिक ध्यान नहीं दे रहे और केवल हम कंप्यूटर पर बैठ के, मोबाइल पर बैठ के हम अपने शरीर की एक्टिविटी को नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में जब डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, एक तरह से आधुनिकता का ज़माना है, फास्ट फूड हम बचपन से बच्चों एक्चुअली खिला रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम ये सब चीज़ें यदि करेंगे तो बहुत सारी हार्ट की बीमारियों को हम रोक सकते हैं। और मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि इस अवसर पर आप अपने हृदय को जानें और हृदय की बीमारियों के बारे में जो रोकथाम है अपने खुद को भी उसका पालन करें और हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के लोगों को जागृत करें, तभी हमारे विश्व हृदय दिवस मनाने का एक तरह से जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। मैं आपको पुनः इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे और इस विश्व हृदय दिवस को उसी रूप में मनाएंगे कि हमें स्वस्थ रहना है और हमें हृदय की बीमारियों को इससे को के बारे में जागृत करना। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत ने कहा, प्रदेश में रिपीट होगी कांग्रेस सरकार। काठुवास में कैबिनेट मंत्री जूली के माता पिता की प्रतिमाओं का किया अनावरण। पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदा बेन पहुंची अलवर, धार्मिक स्थलों पर दर्शन के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में हुई शरीक। पुलिस की मारपीट के शिकार वकील को अस्पताल के कैदी वार्ड में करवाया भर्ती। मिलने पहुंचे शहर विधायक संजय शर्मा, वहीं पुलिस के खिलाफ तिजारा में जारी है आंदोलन।
और भूमि विवाद में बाइक सवार पर चढ़ाया ट्रैक्टर, नौगावा क्षेत्र में ग्रामीण को गंभीर रूप से किया घायल। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।